लड़की खराब है, लड़की रात को क्यों निकली है, लड़की क्यों जा रहे हैं बाहर, ये रात हो गया कि लड़की क्यों जाना है, हम भी लड़की हैं। दिल्ली पुलिस नाम बड़े हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं है, ठीक है। दिल्ली पुलिस भी देख रहे होंगे, मैं बार बार यही बात बोलूँगी कि दिल्ली पुलिस जीरो है, कुछ काम नहीं कर रही है। अगर काम करते तो शायद वो बहन जो हमारी बहन है वो जी सकती थी, वो बच सकती थी, लेकिन उसमें कोई काम ही नहीं कर। दस उनके बाद कितने बार फ़ोन करा, अभी मैं देख रही थी न्यूज़ में, वो कम से कम 22 बार फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद भी दिल्ली पुलिस कुछ काम ही नहीं कर रहे, क्या है फिर ये? अब लड़की का करैक्टर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है, पता है। ये अभी से नहीं है, आप पुराने जमाने से अगर देखते जाओ अभी की बात है, कुछ नहीं मिलेगा तो लड़की की करैक्टर की पर सवाल उठा दो। लड़की खराब है, लड़की रात को क्यों निकली है, लड़की क्यों जा रहे हैं बाहर, ये रात हो गया कि लड़की क्यों जाना है, हम भी लड़की है, हम भी स्कूटी चलाते हैं, हम भी गाड़ी चला के रोड पे निकलते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, बाहर नहीं निकल सकते क्या? नहीं नहीं, और एक मानसिकता मैं आपको बता दूं, जो लड़के हैं, बेशक आप लोग हमारी मेरी भाई हैं, लेकिन एक सवाल मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो लड़के होते हैं ना जो ड्राइव करते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी प्राउड होते हैं उनका कि लड़कियाँ ना, लड़कियाँ जब गाड़ी चलाते स्कूटी चलाते उनको यानी कि कुछ नहीं समझते। मैं खुद चलाती हूँ ना, मुझे पता है, जब मैं चलाती हूँ अगर कोई कहीं पर बेशक थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो उनकी जो बिहेवियर होता है ना, ये पुरुष प्रधान का इस तरह का बिहेवियर है, सवालों के घेरे में है। बिल्कुल है, क्योंकि वो निधि की सहेली दो दिन के बाद जब निकले है तो फिर वो होगा, वो एक सवालों का मैं जवाब दूंगी, लेकिन ये चीज जो आप बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल महिला सुरक्षित नहीं है। लड़की का करेक्टर पे सवाल खड़े हो जाते हैं, लड़के अपने करेक्टर पे सवाल खड़े नहीं करते। हाँ, पांच बंदे गाड़ी के अंदर थे, ठीक है, पांच बंदे गाड़ी के अंदर थे, जो एक बीजेपी का नेता भी बताया जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें सवाल खड़े नहीं होते क्योंकि वो लोग लड़के हैं। लड़के तो रात को निकल सकते, लड़के रात को 12 बजे निकल सकते, 2 बजे निकल सकते, 10 बजे निकल सकते, लड़के के लिए कोई पाबंदी नहीं। लेकिन अगर हम लड़की अगर बाहर निकलते हैं तो हमें हर सवालों का जवाब देना पड़ता है। बाहर निकलो तो सुरक्षा नहीं है, किसी से बात करो तो भाई सेटिंग है उनके साथ, यही होता है, ठीक है। और किसी से अगर हंस के मुस्कुरा के बात कर दे, अरे भाई ये लड़की तो ऐसी है, कैरेक्टर बिल्कुल बता देगा खराब। वो लड़की अगर गए थे जैसे पार्टी बने, जैसे मैंने सुना है, मैंने न्यूज में देखी है, फोटेज दिखाई जा रही है, होटल गई, बिल्कुल है, वो हाँ। दुनिया भर की मतलब बात। पहले आप देखिए जो न्यूज दिखा रहे थे, पहले का एंगल किया था और उसके बाद एंगल आप कहाँ बना रहे, एंगल ये बना रहे कि लड़की के कैरेक्टर के ऊपर उछाल दो। जब लड़की की कैरेक्टर के ऊपर बात आ जाते हैं ना, फिर उसके बाद तो कुछ नहीं रह जाते, क्योंकि जो लड़की बाकी जो पब्लिक है उनकी एक सहानुभूति जो होते हैं, सहानुभूति उस मुद्दे के साथ, उस विषय के साथ जुड़ जाते हैं, वो उनको ये लगता है कि वो हमारा मुद्दा है। पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है किसी को अभी तक? बिल्कुल कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं लग, नहीं कर रहे। उनकी दोस्त का बयान है वो ड्रंक की हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो नहीं आया, नहीं है आया। अभी तक नहीं आया, लेकिन उसमें कह रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और जैसे ब्लड का, यूरिन का और एक टेस्ट होता है उसके बाद ही पता चलता है, क्योंकि लड़की का कहते हैं कि पूरा पेट में सिर्फ थोड़ा सा खाना था, बट एक रिपोर्ट और आना था कह रहे, मैंने जो सुना है न्यूज से, लेकिन उसमें अभी तक का तो खैर कोई ड्रिंक। क्या लगता है उसकी दोस्त जो स्क्रिप्टेड बयान दे रही है? बिल्कुल लग रहा है आपको। आप एक बार बताइए, मेरी फ्रेंड है, ठीक है, मैं इसका नाम लेके बुलाऊंगी, आप पॉइंट को नोट करिएगा, उसका इंटरव्यू आप आज तक में मैंने देखी है, ठीक है, उसमें क्या लगता है कि वो जो बात करे, वो लड़की ये बात ये हो रहा है, शायद आप लोगों ने नोटिस करा कि नहीं, वो लड़की और हम तो अनजान बंदे, बिल्कुल उनकी लड़की का नाम क्यों नहीं ले रहे? विश्वास कर पाएंगे आप? हम तो हमें तो सही बताओ तो सहेली को इतना खास है भी नहीं, और किसी से हम इतना विश्वास भी नहीं कर सकते। लेकिन सरकार के जो दावे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, ये तो खोखला है। क्या कह रहे थे पहले बीजेपी कि भाजपा मैदान में महिलाओं की सुरक्षा में, भाजपा मैदान में महिलाओं के सम्मान में, भाजपा मैदान में, ठीक है, मैदान में भाजपा तो है लेकिन महिला सुरक्षा नहीं हो रहा है। हर राज्य पे महिला के लिए कुछ ना कुछ, आप अगर हथरस की बात करें तो आप देखिए वहाँ पर पुलिस का भूमिका है, सरकार की भूमिका है, हम सब ने देखा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी यही दिखाई देते हैं। अगर कोई भी राज्य आप ले लीजिए, चाहे कोई भी प्रदेश, अभी जैसे अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी यही है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी का भी हो, उसमें सारी लड़की महिलाओं के लिए कोई सुरक्षित नहीं है। लेकिन जो बीजेपी की महिलाएं नेता हैं वो भी अब इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे। कोई किसी का बयान आते हुए आपने देखा है क्या? नहीं। अभी तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर तो कह रहे थे ना, बयान दे रहे थे कि भाई चक्कू टेस्ट करके रखिएगा, माता बहने चाकू तेज कर, है ना, चक्कू टेस्ट करके रखिएगा। अभी क्यों नहीं बोल रहे? मेरी बहन, हमें पता है कि हमारी आज वो बेटी, बेशक हम मैंने नहीं देखी है, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं भाई, हम महसूस करते हैं उसको कैसे घसीटते हुए लेके गया होगा, कितना ज़्यादा उसने चिल्लाया होगा, क्या उसका दर्द हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कैरेक्टर के ऊपर बात है। अरे जिसने मारा उनके ऊपर सवाल करो ना। तो पुलिस पे भरोसा किया जा सकता है? दिल्ली पुलिस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं मेरी तरफ से जो क्या होगा,
महिला का सुरक्षा का क्या होगा? महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो सब मैदान में आ जाते हैं, लेकिन महिला का सुरक्षा होते हैं नहीं होते? तो हम महिलाओं के लिए जो मुझे लगते हैं, बाकी का नहीं पता, जो मुझे लगते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे ऊपर भी अटैक हुए थे, तो मैं पुलिस वालों के पास फोन करते रह गई, मैं जा के परेशान हो गई हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने कुछ नहीं सुना। पुलिस वालों को ऊपर से ऐसा लगता है कि हम ही अपराधी है। उन्होंने मेरे दोनों फोन छीन लिए थे, दोनों फोन चेक करने लग गए थे, ठीक है, जो कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मेरी मिल जाएंगे। और उस तरह उनका जो रवैया है ना, वो बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है महिला सुरक्षा के लिए हम खुद को ही कदम उठाना पड़ेगा। भारत की राजधानी में ऐसी घटना हो रही है, तो और छोटे मोटे शहरों में क्या कल्पना कर सकते हैं, क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा? बहुत सारी चीजें जो मीडिया के थ्रू से हमारे पास पहुँच जाते हैं, लेकिन बाकी चीजें नहीं पहुँचते। महिला हर जगह पे परेशान है, महिलाओं के लिए कोई नहीं सुनवाई कर सकते, क्योंकि ये जो मानसिकता है ना, उसको हमें बदलना पड़ेगा। बहुत सारे भाई बहन हैं, जैसे आप लोगों के जैसे भाई लोग हैं, जो मदद करते हैं, साथ देते हैं, लेकिन हर एक की ना मानसिकता, मैं छोटी सी आपको बात बता रही हूँ ना, मैं गाड़ी चला के आती हूँ तो तभी बात इस तरीके से करते हैं कि क्या है तुम, यानी कि महिलाओं के लिए कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं। आप जिस हिसाब से आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, यही जंतर मंतर था जहाँ पर निभिया फंड भी बनाया गया था, ठीक है, यही जंतर मंतर था जहाँ पर कैंडल मास निकाला गया, कल भी कैंडल मास निकाला है। हर एक पार्टी कहते हैं कि हम महिला सुरक्षा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, अभी तो सवाल उठा रहे, जब मुझे मारा था वहाँ पर भी कोई भी कैमरा वो नहीं था, कैमरा नहीं था। सवाल तो हर एक की पे उठते हैं ना, सवाल हर एक पे उठते हैं। कल की ये घटना है, लड़की को दोस्ती ना करने पर चाकू से गोदा गया उसे, वो भी मतलब महिला की। मैं बता रही हूँ, अगर आप एक बार बताइए, कोई प्यार करते हैं, लड़की के मन में कोई प्यार नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, तो उसको चाकू से मार दो, उसको मार दो, उसकी पर तेजाब डाल दो, यानी कि मेरी बहन भाई और हम लोगों का ये हालत है कि अगर हमें प्यार भी नहीं आते, किसी के ऊपर का प्यार भी नहीं है, तो उसका चेहरा खराब कर दो, जिंदगी भर के लिए उसको बर्बाद कर दो, ये उनकी हालत है। अगर हम लोग जैसे महिला की बात करते हैं, पहले से भी शायद हमारी पहले की शायद सावित्रीबाई फुले की बात करें, उन्होंने भी महिला के लिए कितना कुछ कहा, उनको भी झेलना पड़ा, वही चीज़ आज कहाँ बदल रहे, नहीं बदल रहे। आज आप अगर कुछ बोलेंगे ना, कुछ बोलते सीधा धमकी आ जाते, भाई रेप कर देंगे, जैसे उनका फ्री फंड में रखा हुआ है लड़कियां, बस उठाओ और रेप कर दो। अच्छा, एक पेज कह रही है कि जांच कर रहे हैं हम, देखिए 302 की उन पे कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हो रही, आज कब तक जांच होती रही, बस इंक्वायरी चलते रहते हैं पुलिस वालों की। एक बात बताइए, पुलिस वाले अगर काम करते ना ढंग से, पुलिस वाले अगर ढंग से काम करते, मैं बता रही हूँ आपको, कोई भी चप्पल भी चोरी नहीं हो सकते, चप्पल भी कोई नहीं उठा सकते, अगर पुलिस वाले ढंग से काम करते। आप पुलिस वालों के पास फोन करेंगे, वो आएंगे, क्योंकि पुलिस की वर्दी जो है ना, उसमें बहुत ताकत है, पुलिस की वर्दी में बहुत ताकत है, उसको देख के लोग डर भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खादी कभी भारी हो जाते हैं खाकी के ऊपर, तो फिर क्या हो सकता है? दिल्ली पुलिस का तो दावा नए साल पे सड़कों पर पुलिस ही पुलिस है, हर जगह पुलिस ही पुलिस है, लेकिन कहाँ नजर आई, वो तो आई नहीं, बताइए 12 किलोमीटर तक घसीटते लेके लड़की नहीं, कहीं दिखा रहे थे, पूरा उसमें दिखा रहे थे 12 किलोमीटर एक लड़की घसीटते हुए चले जाते, गाड़ी भी कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी, छोटी गाड़ी थी, तो उसको पता नहीं चल रहा होगा। और जो वो बयान में भी ये बता रहे, जो दिखाई दे, जो उनकी फ्रेंड है, वो भी बता रहे थे कि वो चिल्ला रही थी, लड़की चिल्ला रही थी, और उन्होंने आगे पीछे गाड़ी करे, यानी कि उनको पता है हमारे गरीब परिवार से है, और फिर ऊपर से वही समुदाय साथी, ये भी वजह है क्या? मुझे तो लगता है यही वजह है कि गरीबों का कौन सुनते हैं, गरीबों का कोई नहीं सुनता, सब बोलते हैं गरीबों का मसीहा है, हम गरीबों के लिए बहुत कुछ करें, कोई नहीं करे, ये सब बस ढकोसलेबाजी है और कुछ नहीं। पैसा है, नोट है, तो आपके लिए सब सुनवाई भी है, अगर आपके पास पावर है तो काम होगा, पावर नहीं है तो कुछ भी काम नहीं, आपके सब कुछ बेकार है। पर दिल्ली पुलिस का मेन तो दिल्ली पुलिस में ही सवाल है, बेटी कैसे बचेगी, कैसे पढ़ेगी, कहाँ है ये सरकार? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ है? आपको लगता है आप अभी रोड पे चले जाइए, बड़ी बड़ी टॉयलेट के ऊपर भी लिखा रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गाड़ियों के पीछे भी लिखा रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना? लेकिन कोई बेटी नहीं, कोई सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। मोदी जी ने लाल किले से भी महिलाओं की सुरक्षा की बात करी, तो ये सब बात ही होती है, विज्ञापन ही होते हैं, काम भी होता नहीं, विज्ञापन होते, बात नहीं, कहाँ बात, आपको लगता है बात हो रहे हैं? एक बात बताइए, अगर होता तो होम मिनिस्ट्री किसके अंडर में आते हैं? अमित शाह के अंदर में आते हैं ना, तो क्यों नहीं कर रहे उनका? तो एक आप अभी अगर किसी भी मंत्रालय के अंदर आप चले जाएंगे, आपका उनकी जो बातें हैं, उनकी बातें एक भी बात इतना दम रखते हैं उनकी बातों में, वो अगर एक बार पुलिस को बोले तो काम नहीं करेगा क्या? तो क्या ये जो अपराधी हैं, कुछ इनमें राजनीतिक बैकग्राउंड से भी आते हैं क्या, इस वजह से कुछ दबाव है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रही हूँ ना, खाकी भारी है, खादी 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 के जो खादी है ये भारी पड़ रहा है खाकी के ऊपर, भारी है पुलिस पर, बिल्कुल भारी है। आपका 1857 की क्रांति के बाद पुलिस बने थे ना, तो किस लिए बने थे? अंग्रेजों ने क्यों बनाया था ये एक्ट?
इसीलिए बनाए थे क्योंकि हमारी जो देश की जो लोग हैं उनकी पर शासन कर सके, उनको कंट्रोल में ले सके। तो लेकिन क्या अपील करोगी? मैं मोदी जी से यही अपील करूंगी जो आपने बोला है सर वो करिए, क्योंकि और इसमें मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगी कि जो कहते हैं वो करिए प्लीज। हम लोग बेटियां जो है ना हम सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते, हम लोगों को डर लगते, रात होते शादी हमें डर घबराहट होने शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए मैं अपील यही करूंगी कि दिल्ली पुलिस को थोड़ा बताया जाए कि उनकी काम जो है अच्छे से वो काम करे और हम लोगों का महिला सुरक्षा पे काम हो। और एक चीज मैं और बताती हूँ क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट की जो मेरी नॉर्थ ईस्ट सेल है और मेरी जो काम उसमें हमारी जो रवीन हिब्बो सर है उन्होंने मेरे लिए काम किया है, उन्होंने तुरंत एक्शन हुआ। मैं क्या कह रही हूँ कि अगर आपका ऊपर से अगर आप फोन करेंगे बताएंगे तो आपके लिए सुनवाई होगा, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। महिला कहाँ सुरक्षित आपको लग रहा है? महिला सुरक्षित लगते हैं दिल्ली के अंदर चाहे 2012 की से लेके अभी तक का, अगर हम 2012 इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यही जंतर मंतर है जहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुए थे और उसके बाद लगातार प्रोटेस्ट होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिला आपको लगता है सुरक्षित है? अभी जो केस हुआ है वो लड़की घर ही तो जा रहे थे ना, उसके बाद भी वो अच्छी स्कूटी से जा रहे थे, सामने से आके टक्कर मारते हैं और उसके बाद उसको घसीटते हुए ले जाते हैं 12 किलोमीटर छोटी मोटी बात नहीं है। हम अगर थोड़ा सा भी गिर जाते कैसा लगता है? लड़की को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई सुरक्षा नाम की तो कुछ है नहीं, पहली बात तो पुलिस को फ़ोन करते रह गए और पुलिस ने क्या काम किया? पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े। बिल्कुल।